एक सेकंड, ओ भाई, ओह भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। चैनल महिंदा बिशांबी में मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं जा रहा हूँ अपने विलेज गाँव क्योंकि मेरी है भांजी की शादी। भी कहीं जाना तो पैकिंग पहले कर लो यार। मैंने सब चीजें ले चुकी है, शायद फिलअप कराते हैं। शिकेश का ट्रैफिक इतना ज्यादा हो रखा है, चढ़ाए जा रहे हैं चढ़ाए जा रहे हैं। टाइम हो गया इस समय 11:05 है। देखो पहाड़ में जाने की ना खुशी अलग होती है और पहाड़ी एरिया में के पास ही है हम लोग ऋषिकेश में। मेन ऋषिकेश मेन सिटी इसी को कहते हैं और ये त्रिवेणी घाट चौराहा और ये यहाँ का फेमस राजस्थानी चौराहा, इसे कहते हैं देहरादून रोड। पावर वाला तेल भरा रहा हूँ इसमें, तो ये हवा भराई जा रही है अभी इस समय। लक्ष्मण झूला और इसके आगे आएगा तपोवन। सिटी से बाहर आ गए हम, एक्सीडेंट हुआ होगा तो देखिए कांच कांच गिरा हुआ है। इस जगह पे आते हैं ना लोग तो स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो बैंड है ना कितना रिस्क हो सकता है। क्यार की वहाँ आगे ये जितना वाटरफॉल जाना होगा तो वो यहाँ पर है, और देखना होगा वीडियो तो पता है ना लेफ्ट पे आ रहा है लिंक। मेरा गांव निसनी, एरोली निसनी। बाहर की गाड़ियों को लेना यहाँ पर चार्ज लगता है, तो एक ही गाड़ी है दिल्ली की, आदमी जो है वो है उत्तराखंडी, बोले तो पहाड़ी बोल लो शॉर्टकट में। आगे अपना पटना वाटरफॉल, धूप लग रही है यार, मतलब सूरज की किरणें कैसे पड़ रही है यहाँ पर यार, क्या ये देखो हमारी पहले की प्रजाति, इनकी तरक्की नहीं हुई अभी तक। तो ये आया कालीकुंड जी, मन्नू भाई करके है जो गाड़ी चला रहा है और ये मुझे आगे जाने दे नहीं रहा है, शायद इसने कसम खा रखी है। ये नया खिलाड़ी लग रहा है, बच्चा ही लग, देखिए गाड़ी चलाने का तरीका देखिए इनका यार, पता नहीं यार, मतलब जरा जरा से बच्चों को यार गाड़ी पकड़ा देते हैं यार। पिताजी का डायलॉग याद आ रहा है, कम बोलो ज्यादा समझो। यहाँ से है नीलकंठ का रास्ता, देख रहे होंगे ऊपर की तरफ एक बहुत प्यारा मंदिर है जहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, वो मंदिर बिल्कुल ऊंचाई पर है। यहाँ पर ना रोड थोड़ी खराब ही रहती है। आ गया अपना दिल्ली, दिल्ली गांव गाँव लग गई है हाथों में, सामने की तरफ धूप आ रही है और इधर की तरफ धूप नहीं आती है। और ये देखो यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, टी शर्ट स्वेटर और जैकेट पहन रखी है। और ये देखो यार पहाड़, वाह नजारा तो देखो यार, और हल्की हल्की ठंड लग रही है, चुभने वाली ठंड। अगर आइसक्रीम मिल जाए ना तो क्या कहना यार। हनुमान जी का मंदिर, मंदिर देखता हूँ ना तो एक ऐसे लगता है कि जैसे एक पावर आ गई हो, हनुमान जी बोलो या हनुमान जी, मेरे लिए तो हनुमान जी है क्योंकि मेरे सुपर हीरो में सबसे पहले हीरो वही है। ये मोटिवेशन मिलती है, एक पावर मिल जाती है मुझे, क्योंकि मैं हनुमान जी का साथ भले छोड़ दूँ पर हनुमान जी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। व्लॉग की सीरीज है ये, है भांजी की शादी में नजारा देखो यार, कुछ अलग ही है दोस्तों। ये देखो ये क्या है यार, ओ माई गॉड, यहीं पर मूड खराब हो जाता है यार। ओ देख लो दोस्तों यार, तो आई डोंट नो यार कि ये किसने किया होगा काम पर, लेकिन यार मैं इसको ना कहीं किनारे रख देता हूँ यार, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। व्यू कितना गजब लग रहा है, और घर देखो किस तरह से, और पहाड़ देखो बड़े बड़े, और ऊपर एक मंदिर है अगर आपको दिख रहा होगा तो, एकदम चोटी पे। ठीक है, गांव ना गांव नहीं रहा, मतलब गांव में इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है ना अब यार। ये मेरे गांव जाते समय सबसे बेस्ट जगह लगती है मुझे ये। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे सामने का व्यू, देखो यार धूप आ रही है। ये है मेरी बुलेट, और देखो सामान देखो कितना है, जबकि इसमें कुछ है नहीं। जो पहाड़ है ना इतने ही ज्यादा गजब लगते हैं ना दोस्तों। अचानक से एक बात याद आ रही है, एक्चुअली बात इस बात, ओ एक सेकंड, ओ भाई ओह यार, ओह ये कैसे हो गया यार अचानक से, मैंने पता नहीं यार रोड पे यार पत्थर गिरे थे, और ये देख लो यार ऑयल लीक करने लग गया। ओह दोस्तों यार मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, पता नहीं यार ये कैसा हो गया यार गाड़ी में, मतलब और देखो मेरी सांस फूलने लग गई यार बहुत ज़्यादा, ऑयल निकलने लग गया इसमें से यार, पता नहीं क्या होगा यार, गंदा हो गया यार, कपड़े भी गंदे हो गए। चलो यार चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही, ये रहो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार,
और यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हनुमान जी हो जाओ स्टार्ट। चौक दे रखी है। फाइनली ओके डन। ओह थैंक यू हनुमान जी आपने बचा लिया। वाह जगहों पे जाना यार सच में यार गाड़ियां आ रही सामने से जगह भी बहुत प्यारी लगती है यार मतलब मेरी फेवरेट जगहों में से एक है और इस जगह पे हमेशा मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ। रियल में कहूँ और टाइटल भी जो होगा वो यही होगा कि ये क्या हो गया फर्स्ट ब्लॉगिंग है मेरे साथ। ओ सोलो राइड करना यार इट्स वेरी टफ यार। हेलो ज़्यादा वो है इस तरह का धूप आ रही है इस समय बहुत तेज। अब तक तो बांध कपका हो चुके होंगे तो बांध तो मैंने मिस कर दी ऑफिस का कुछ काम था इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। रोड कैसी आ गई है। हम लोगों को ना कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है कि मैंने शादी के बाद लद्दाख जाना है ना ये जरूरी नहीं है कि मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी यार मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। लाइफ का सबसे बड़ा जाम तो मैंने देखा हुआ है 2019 में मैंने गाजियाबाद का वो भी स्पेशली सेक्टर 62 का और 63 का जो जाम देखा हुआ ना नायक मूवी उसमें एक ड्राइवर बोलता ना कि पूरा चक्का जाम करा देंगे। डॉन का जो शॉट होता है ना उस तरह का जाम डेली फेस करते थे। पहाड़ी होने के बावजूद भी मैंने इतना टफ रास्ता कभी नहीं झेला होगा जितना उस टाइम पे झेला था। ओ गाड़ी अभी स्लिप हो गई थी यार। अगर ऑफिस जा रहे हैं तो स्टार्टिंग के 10 और अगर घर आ रहे तो लास्ट के 10। जाम होता था ना जाम ऐसा जाम किया जिंदगी में देखा नहीं होगा। याद आ गई तो मैंने शेयर कर दिया। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ ना ये नहीं होता किसी ढंग के मैकेनिक ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता ना तो इतनी प्रॉब्लम को मेरे को फेस नहीं करना पड़ता। इसका जो पिछला टायर है जाम चल रहा है कोई सॉल्व कर ही नहीं पा रहा यार। 4 साल में ये गाड़ी ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई बुलेट को चला रहा हूँ। सामने आप पहाड़ देख रहे होंगे ना तो इतना स्मार्ट माइंड हो गया ना सबका कॉन्टेक्ट लेंसेस आने लग गया और इसके बाद ये ना हो कि आपके पास एक्शन कैमरा लेंस आने लग जाए ऐसी आंखें जो कैमरा बन जाए क्योंकि ना जिस तरह से मैं पहाड़ देख रहा हूँ और जो सामने आ रहे हैं ना बढ़िया लग रहा है वाली जो फीलिंग है ये मांगवाड़ वाली फीलिंग है। भोलेनाथ जी का मंदिर है और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक आ रहा होगा। गाँव में मेरे को मिलेगी उड़द की दाल अगर उसमें राजमा भी हो ना तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। घर की उड़द की दाल की बात ही अलग होती है। और ये रास्ता जाता है उमरोली के लिए यमकेश्वर भी जा सकते हो। यमकेश्वर ब्लॉक काफी फेमस है भोलेनाथ जी का मंदिर है कुछ लोग आते हैं वहाँ पर विजिट करते हैं। जगह है थोड़ा हिमाचल जैसी हिमाचल बोलो या कुमाऊं बोलो ये जो पेड़ है ना जनरली वहाँ पर दिखते हैं और जब ये भूरे भूरे टाइप के हो जाते हैं सूखे टाइप के मस्त। मेरा जो एक्सपीरियंस है कुमाऊं का मैं 5 एपिसोड बनाए थे कुमाऊं के। आई डोंट नो कि मेरे सर के ऊपर यानी हेलमेट के ऊपर क्या गिरा अचानक से ऐसा लगा किसी ने पत्थर मारा होगा इंसान टाइप की। तो जो यार आपका महेंद्र विश्राम भी यहाँ जा रहा है और सामने 4 हाथ पैर वाला एक जानवर वैसे तो कई जानवर होते हैं ऐसे लेकिन आप समझिए ना कि मैं किस जानवर की बात कर रहा हूँ। तहसील बोल सकते हो। ये रास्ता भी यमकेश्वर के लिए जाता है। ये है बिथानी। एक बार जब मैं पहले यहाँ आया था ना तो बुलेट में बहुत तेज चला के आया था तो सडन यार बुलेट की आवाज़ से तो कुत्ते मतलब एकदम से आ जाते हैं ना और वो कुत्ता आया और वो सट से यहाँ पर लगा जोर से लगी उसके। हेलो ये आ गया कांडी मेरी दीदी का ससुराल है यहाँ पर और मैंने कई बार ब्लॉग में बताया भी है और मेरे ख्याल से फोन आ रहा है। वो जंगल देखो यार और उधर देखो पहाड़। यहाँ से तकरीबन मेरी बुआ का जो घर है कसाली 7 या 8 किलोमीटर। टायर में हवा नहीं है। हवा तो बराबर है यार। के ऊपर एक मंदिर है हमारा पहला गांव था कुलसी यानी कि दादाजी के भी पापा लोग वो थे और मेरे दादाजी के टाइम पे हम लोगों ने गांव शिफ्ट कर लिया था। ऊपर है SBI बैंक और यहाँ मेरे मामा जी की शॉप हुआ करती थी जलेबी की। ये रास्ता जाता है मेरे गांव के लिए वहाँ है कसाली नहीं मेरी बुआ का गांव। डेविड डान का एक मंदिर है वहाँ पर ना रीच है मतलब भालू है यहाँ से जाता है